किसान हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, हमें इस लायक बनाया कि हम दिल्ली में रह सकें। आज वो दिल्ली आना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे? उत्तर प्रदेश के किसान भी तो आ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर क्यों सील किया गया है? आज हम वकील भाई इनको समर्थन कर रहे हैं, कल हमारे लिए भी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि ये फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ से फंड ले रहा है। तो इस देश में क्या विरोध करना क्या बिल्कुल तानाशाही हो गई है कि कोई विरोध ही नहीं कर सकता? गुंडागर्दी करके उसको रोकेगी, किसानों को रोकेगी? नमस्कार, मैं अनूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मौजूद हूँ 30,000 कोर्ट में। लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। भारी संख्या में किसान जो है शंभू बॉर्डर और लगातार हर बॉर्डर पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो वकील जो है खुद सड़कों पर उतर गए हैं। जिस तरीके से आप लोग सड़कों पर उतर गए हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या वकील जो है वो किसानों के समर्थन में आ गए हैं? बिल्कुल, वकील किसानों के समर्थन में पूरी तरह से समर्थन है, उनकी लड़ाई में उनके साथ है, संघर्ष में उनके साथ है। लोगी जो है जमीनी तौर पे उतर के क्या आप उनको न्याय दिला पाएंगे? देखो, न्याय दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन संघर्ष में उनके साथ हैं। जितनी जोर शोर से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, किसान हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, हमें इस लायक बनाया कि हम दिल्ली में रह सकें। आज वो दिल्ली आना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे? हम नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली आ जाएं, हम पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें दिल्ली बुलाने में। लेकिन जिस तरीके से सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी होगी, तो लग रहा है उससे क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे? देखिए, आपने हरियाणा हाई कोर्ट का भी सुना होगा, हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि आप इस देश के क्या मालिक बन गए हैं? आप अपने आप को क्या हुक्मरान समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तानाशाह हैं? ये देश का कानून कहता है कि कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है, दिल्ली का व्यक्ति बाहर जा सकता है, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य का व्यक्ति दिल्ली में आ सकता है, कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। तो ये कानूनी बात है जो जितने ये रोक लगा रहे हैं, ये गैर कानूनी तरीके से लगा रहे हैं, ये कानून को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ 144 है आप मुझे बताओ? आपको ये कहीं भी पूरी कैमरा घुमा के देख लो जरा, ये धारा 144 इसे कहते हैं? ये कोई धारा 144 नहीं, धारा 144 का मिसयूज़ हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, अपनी मांगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, बेचारा भूखा प्यासा है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए 4-5 आदमी इकट्ठे ना हो जाएं, 144 लगा देते हैं। नहीं, गलतफहमी है, एक राज्य के किसान नहीं है, पूरे देश के किसान। आप हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है तो हरियाणा और पंजाब एक ही है क्या? हरियाणा पंजाब एक ही क्या? आप उत्तर प्रदेश के किसान भी तो आ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर क्यों सील किया गया है? क्या वो पंजाब का बॉर्डर है? लेकिन आ जा रहा है कि एमएसपी देने से, सुधीर चौधरी देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी अगर दिया जाएगा तो 25% महंगाई बढ़ जाएगी चावल दाल। देखिए, सुधीर चौधरी जी से कहिए जो उनकी इनकम है, उसकी इनकम का कितना पैसा वो देश को देते हैं एक बार वो देश को बताएं, ताकि भुखमरी ना फैले। क्योंकि देश की जो पूरी जीडीपी है उसका 0.5% सुधीर चौधरी जैसे लोग खा जाते हैं। ये लोग देशद्रोही हैं, किसानों की अपनी मांग, जो बेचारे जो उपजाते हैं उसकी लागत का मूल्य भी नहीं देना चाहते ये लोग। कि किसान आत्महत्या करता है वो इनको नहीं दिखाई देता, ये न्यूज़ को गलत तरीके से पेश करते हैं। अच्छा, ITO भी जाम कर दिया गया है, क्रेन दिल्ली के लोगों को दिक्कत नहीं होगी? तो ये कौन कर रहा है? तो सरकार की वजह से दिल्ली परेशान है ना, अगर भीड़ बढ़ गई तो जनता का क्या होगा? ये सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है, ये नैरेटिव सेट कर रही है कि किसानों की वजह से हो रहा है, जबकि सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। कहा ही जा रहा है ना, किसान जो है बार बार चले जाते हैं, आप क्या 6,000 साल में दे रहे हैं? आप एक ही बार खाना खाते हो दिन में? एक महीने में एक ही बार खाना खाते हो? जब भूख लगती जब खाते हो ना? किसान बेचारा भूखा जी रहा है, मरने के कगार पर है, कई परिवार आत्महत्याएं कर ली। सर, बहुत सारे आप कोई वीडियो दिखा दीजिए किसान जो आ रहा है ऐसे रेंज रोवर में। आप एक बात बताइए मुझे, आज हम वकील भाई इनको समर्थन कर रहे हैं, कल हमारे लिए भी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि ये फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ से फंड ले रहा है। तो इस देश में क्या विरोध करना क्या बिल्कुल तानाशाही हो गई है कि कोई विरोध ही नहीं कर सकता? आप पहले किसान बैठे तो उन्हें आतंकवादी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन बाद में मोदी जी ने उनसे माफ़ी मांगी, सारे कानून वापस लिए।
इनके लिए जुमले हैं, कुछ समय के लिए बहकाते हैं जनता को ताकि जनता इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे, लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जनता आप लोग हरा नहीं पा रहे, इसलिए देखिए हम लोग हराने जिताने के लिए नहीं लगे हैं, आप गलत फहमी में हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है, बेचारा भूखा मर रहा है, आप उनकी आवाज़ को सुनो, अपने मन की बात नहीं सुनो, उनके दर्द को भी सुनो। तो यहाँ पे लगातार जो है जो वकील हैं यहाँ पे सड़कों पे उतर गए हैं, यहाँ पे जो 30,000 कोर्ट है उधर यहाँ पे मौजूद हैं और कह रहे हैं कि किसानों को हम न्याय दिलवाकर ही रहेंगे। मैम आप क्या कहेंगे इस पे, जिस तरीके से जो चीज़ें सामने आ रही है, जो भाजपा नेता है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो किसान जो है मर्सिडीज पे आ रहे हैं, BMW में आ रहे हैं और जो असली किसान है वो खेतों में होगा। ये तो मोदी जी की पॉलिटिक्स है, हमारी सरकार की पॉलिटिक्स है किसानों को रोकने के लिए। किसान अपनी मांग ना रखें, यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है। जब देश का प्रधानमंत्री कोई बन जाता है तो वो पूरे देश का ये लोकतंत्र है, ये हमारा जो देश है लोकतंत्र प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है, उन्हीं के ऊपर हम सब मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे लिए अन्न दाता है, वो हमें खाने पीने के लिए दे रहे हैं। अगर हम उन्हीं के खिलाफ चलेंगे, उनको ये सब अपने उनकी मांगे करने से रोकेंगे तो हमारा देश कहीं का नहीं रहेगा। सुधीर चौधरी जाने माने पत्रकार है, वो ये कह रहे हैं कि अगर MSP दे दी जाए ना तो 25% जो है महंगाई बढ़ जाएगी। अब सरकार तो कोई ना कुछ ना कुछ तो निकालेगी ना, सरकार उनकी मांगों को ना मानने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे धारा 144 लगा दी, क्यों लगाई, किस लिए लगाई, आप उनकी मांगों को सुनो, वो भी तो धरना संवैधानिक रूप से दे रहे हैं, वो भी तो धरना कानूनी रूप से दे रहे हैं, आप उनकी मांगों को सुनो, क्यों नहीं सुनते उनकी मांगों को। तब वो एक अगर कोई अपनी मांगे मनवाएगा तो वो कुछ तो मेहनत करेगा, कुछ तो आगे बढ़ेगा ना, आप उसको रोकते जाओ, उसको कीलों से रोको, उसको आंसू गैस के रोको से आंसू गैस के गोलों से रोको, कुछ भी रोके, लेकिन वो अपनी मांग तो मनवा करेंगे। लेकिन एक बार फिर से उनको आश्वासन दे दिया गया तो क्या करेंगे? आश्वासन दे दिया, किसने दिया आश्वासन दे दिया गया और सरकार पीछे, जो किसान जो है पीछे हट के आश्वासन नहीं देगी, गुंडागर्दी करके उसको रोकेगी, किसानों को रोकेगी। बॉर्डर तो इस तरीके से बना दिया है जैसे हम जनता जो है हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, सरकार की गुंडागर्दी, सरकार के लोग हैं बुलडोजर लेके आ रहे हैं किसानों को रोकने के लिए, खालिस्तानी कहा जा रहा है, लेकिन वो किसानों को नहीं रोक पाएंगे, हम अधिवक्तागण उनके साथ हैं। लगातार जो है यहाँ पे आपने देखा कि जो वकील हैं वो खुद इधर समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं और हम उनको हक दिलवाएंगे। लगातार ज़मीनी स्तर पे वो पहुँच चुके हैं वकील जो हैं और कह रहे हैं हम उनको इस बार हक दिलवा के लेके जाएंगे। इस पूरी बातचीत पर आप ही कह रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।